हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक फाइनेंशियल न्यूज के साथ, लेकिन आज का जो ब्रेकिंग और जो कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है, मैं दलाल स्ट्रीट से शुरू करूंगा, जिसको मैं रेड स्ट्रीट बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आज सेंसेक्स 2008 के हिसाब से, जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट हुई थी 2008 में, उस तरह की गिरावट आज देखी गई। 2919 पॉइंट सेंसेक्स टूटा, जो कि 32,778 पे बंद हुआ। 2919 पॉइंट टूटने के बाद कह सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही बुरे हालात हैं। कोरोना वायरस ने इस पूरे जो हमारा इन्वेस्टमेंट मार्केट है उसमें करोड़ों का नुकसान रोज के रोज हो रहा है। निफ्टी भी उसी तरह से आप कह सकते हैं कि रेड स्ट्रीट रहा, 868 पॉइंट नीचे आके 9590 पे बंद हुआ। निफ्टी भी अपने लोएस्ट पे चल रही है, साथ के साथ एसबीआई की भी हालत ख़राब है। एक तरफ एसबीआई की अच्छी इन्फॉर्मेशन यह है कि यस बैंक में उसने 7,250 करोड़ रुपये लगाए, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इस यस बैंक के शेयर बहुत ही ज़्यादा नहीं टूटे। लेकिन एसबीआई की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई का शेयर 26% टूट चुका है पिछले 7 दिनों में। सेंसेक्स की बात करें तो 15% नीचे है पिछले 7 दिनों में। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट एकदम रेड स्ट्रीट में बदला पड़ा, हर स्टॉक रेड में चल रहा है। रेड का मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरे हालात में है। स्पेशली अगर हम बात करें कि क्रूड ऑयल वाले जितने स्टॉक है, रिलायंस, वो सबकी हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से एक तो ट्रेवल और टूरिज्म ये बुरी तरह से चौपट है। अगर आप ग्लोब की बात करते हैं तो हर देश ने इंटरनेशनल फ्लाइट को, इंडिया ने जैसे कि बहुत से ई वीज़ा आज कैंसिल किए, यूएस ने यूरोप को बैन किया, उसकी वजह से कंजम्पशन भी बहुत कम है। साथ के साथ ऑयल प्राइस में भारी गिरावट सऊदी अरबिया के कारण हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आरबीआई ने इस पूरे डाउनफॉल की वजह से बहुत एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद वो कुछ लिक्विडिटी प्लान लेके मार्केट में आएंगे। हो सकता है कि कुछ बेस प्राइस के रेट्स को कम किया जाए ताकि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाई जा सके, क्योंकि जो पैनिक की सिचुएशन है वो भी अच्छी नहीं है। आज भी शाम तक जो इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से एफआईआई ने बहुत बाइंग, आज उन्होंने सेलिंग किया, जिसकी वजह से मार्केट्स वो बहुत पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। इसके अलावा अनिल अंबानी फैमिली की अगर बात करें तो अंबानी फैमिली ने लगभग 1.1 लाख करोड़ का अपना पूरा जो उनका कह सकते हैं कि जो हाई एंड पोर्टफोलियो वाले लोग होते हैं उनके पूरे स्टॉक में, उनके शेयर, उनके नेटवर्थ में इतनी की गिरावट आई है। साथ के साथ अगर झुंझुनवाला की हम बात करें, जो कि हमारे मार्केट के इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट हैं स्टॉक मार्केट के, उनके भी पोर्टफोलियो में भारी गिरावट आई। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रेड स्ट्रीट हो चुका है तो कोई ग्रीन रहने वाला नहीं है जब तक कि मार्केट रिकवर ना करे। इसी बीच में एक छोटी सी अच्छी न्यूज़ भी है कि मुंजाल फैमिली ट्रस्ट ने $1 मिलियन ओला इलेक्ट्रॉनिक में लगाया है। ओला की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो विंग है उसमें उन्होंने, मुंजाल ट्रस्ट ने पैसे लगाए हैं 1 मिलियन के आसपास। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप जो मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में अभी भी कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि अभी इसके इम्पैक्ट कुछ दिन तक रहेंगे और इसके इम्पैक्ट को जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मैं उनको एडवाइस करूंगा जिनके SIP या इस तरह के कोई पोर्टफोलियो चल रहा है, वो पोर्टफोलियो आप ना बंद करें, क्योंकि एक उनके लिए अच्छा टाइम है। क्योंकि आप आज की डेट में जो स्टॉक बाइंग करेंगे या जो SIP बाइंग करें उसमें यूनिट ज़्यादा होगा, जब ये मार्केट रिकवर करेगा तो आप अगर एवरेजिंग की बात करें तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, कहीं घाटे का सौदा नहीं है। तो पैनिक ना हो, इन थोड़ा सा मार्केट से दूरी बना के रखें, लेकिन जिनकी SIP या किसी रेगुलर प्लान में आपका पैसा जा रहा है तो उसे आप ना रोकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।